व्यवसाय पर गोली चलाने वाले अपराधी गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी राजेश मंडल और उसके साथ दो और इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी जिले में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जब शिवहर पुलिस ने इस अपराधियों को अपने कब्जे में लिया तो उनके पास से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 2 बाइक बरामद हुई। शिवहर एएसपी ने कहा कि 23 तारीख को शिवहर के एक दूध व्यवसायी को आपराधिक ने गोली मारी थी। 24 घंटे में इस मामले का उद्भेदन शिवहर एएसपी के द्वारा गठित टीम ने किया। ये परसों रात में यानी 23 सितंबर की रात को ये जब अपने सुधा डेयरी, ये दूध का कारोबार करते हैं, तो बिशनपुर किशुनदेव सुधा डेयरी है, वहाँ पर ये दूध पहुँचा करके वापस 10:30 बजे रात्रि के आसपास अपने घर जा रहे थे। तो बवाली चौक से 400 मीटर पहले एक सुनसान जगह है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो इसराफिल नाम का व्यक्ति है वो इनको ओवरटेक किया पल्सर मोटरसाइकिल से। उसके बाद दो आदमी और आया जो अपाची गाड़ी से था, जो इन पर गोली चलाया और इनके कंधे पर लगा, जिसकी भी इन्होंने पहचान कर ली। इस घटना का जो मुख्य कारण था वो ये था कि इसराफिल इनके यहाँ काफ़ी दिनों से 10 साल से काम करता था, दूध के कारोबार में साथ था और लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और उसके कारण से इसराफिल को ही अपने यहाँ से हटा दिया था। इसी के रोष में उन्होंने 2 व्यक्तियों को हायर किया था, जो कि राजेश मंडल और जो गाड़ी चला रहा था वो आकाश कुमार था। राजेश मंडल और आकाश कुमार और इसराफिल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो घटनास्थल से हम लोगों को 315 बोर का एक खोखा बरामद हुआ था, 315 बोर का ही 6 कारतूस और 1 कट्टा के साथ देसी पिस्तौल के साथ राजेश मंडल गिरफ्तार हुआ, आकाश कुमार और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था अपाची व्हाइट कलर का वो भी बरामद कर लिया गया। इसराफिल का भी मोटरसाइकिल जो पल्सर था वो भी बरामद हुआ। उनके बीच जो बातचीत हुई थी वो भी हमें मोबाइल उनका फ़ोन मिला है जिसमें वो भी तथ्य सामने आया। इसके साथ ही इसकी गिरफ्तारी से एक बात और सामने आई कि कुछ दिन पहले आप सभी को पता है कि जनता मीट हाउस में फायरिंग की घटना हुई थी लेन देन को लेकर, तो उसमें ये राजेश मंडल ही शामिल था। इन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया और सारी घटना के बारे में विस्तृत रूप से बताया भी है। और राजेश मंडल पिछले कुछ दिनों से शिवहर में ही रहता था और इस घटना को भी कारित किया और पूर्व में भी घटना कारित किया है। राजेश मंडल पूर्व में शिवहर में लूट के कांड में भी वांछित रहा है और इन पर चार्जशीटेड भी है ये, और कई कांडों का इनका आपराधिक इतिहास है।